डियर स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले सेक्शन पढ़ेंगे प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में. ओके, इसके बारे में बात करेंगे हम प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में. तो प्रोटोकॉर्डेटा का हम क्या कह रहे हैं, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स कह रहे हैं. तो कोई भी चीज़ मैंने कहा कि एकदम से एडवांस नहीं बनती, धीरे धीरे चेंजेस होता है, इवॉल्व होती है चीज़ें एक दूसरे से, तो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स कहा गया है. प्रोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है ही, प्रोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट रहेगी, कोई किसी के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ. और इन्हें हमने क्या भी नाम दिया था, ए क्रैनिएटा भी कहा था. क्या कहा था, ए क्रैनिएटा, मतलब कोई क्रेनियम भी नहीं है, विदाउट क्रेनियम. क्लियर बेटा? फिर मैंने आपको क्या कहा था, इसको दो, किसके अंदर, ये हमने सब फाइलम दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है इनको. सबसे पहले हमने क्या बात की थी बेटा, यहाँ पर यूरोकॉर्डेटा के बारे में बात की थी, और दूसरा हमने किसके बारे में बात की थी, सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में बात की थी. किसके बारे में बात की थी बेटा, सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में. यूरोकॉर्डेटा, इसे हम ट्यूनिकेट्स भी कहेंगे, आपको यूरोकॉर्डेटा के जगह कॉमनली ट्यूनिकेट्स लिखा मिलेगा. क्यों कहा जाता है ये हम बात करेंगे, हम डिफरेंस करवाएंगे. अगर इसके अंदर हम नोटोकॉर्ड के बारे में बात करेंगे बेटा, तीन या चार डिफरेंस लिखने हैं, बाकी क्योंकि यहाँ पे सब हम कॉर्डेट पढ़े, तो कॉमन कैरेक्टर सबके सेम है, वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हमें यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि कॉर्डेट हम ऑलरेडी आपको बता चुके, तो वही कैरेक्टर रहेंगे यहाँ सारे के सारे. तो यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड अगर मैं बात करूंगी, तो नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो में तो प्रेजेंट ही थी, बट नोटोकॉर्ड इट इज प्रेजेंट इन ऑल, इट इज प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन इन लार्वल लाइफ. लार्वल लाइफ में रहेगी, नॉट प्रेजेंट इन अडल्ट. अडल्ट आते आते वो खत्म हो जाती है, कन्वर्ट नहीं, वो खत्म हो जाती है. नॉट प्रेजेंट इन अडल्ट, अडल्ट के अंदर वो प्रेजेंट नहीं है. यूरोकॉर्डेटा, यूरो का मतलब ये होता है टेल रीजन में प्रेजेंट है. सिफेलो में अगर हम बात करेंगे कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ में ही प्रेजेंट होगी, थ्रू आउट द लाइफ फ्रॉम हेड रीजन टू टेल रीजन, फ्रॉम हेड रीजन टू टेल रीजन, हेड से टेल में ही प्रेजेंट रहेगी और थ्रू आउट द लाइफ रहेगी, उसे क्या नाम दिया गया, सिफेलोकॉर्डेटा कहा गया. ओके बेटा, अब अगर हम बात करेंगे इसकी हैबिटेट, दोनों ही समुंदर में मिलते हैं, फ्रेश वाटर कोई भी नहीं है, मराइन नेचर में होंगे. ट्रूली कैसे हैं ये, मराइन, एक्वेटिक लाइफ और एक्वेटिक में कैसे हैं, मराइन है. अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसका एक्सोस्केलेटन, क्योंकि मैं अभी बताऊंगी आपको ट्यूनिकेट्स क्यों कहा गया है, एक्सोस्केलेटन, तो यहाँ पर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है और यहाँ पे कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होगा. एपिथेलियल की वही उसी तरह की लाइनिंग प्रेजेंट होगी, लेकिन यहाँ पे उसके बाहर कोई एक्सोस्केलेटन और प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट है. तो किसका बना होगा, विच इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब पॉलीसेक्राइड्स का बना होता है. किसका बना होगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब क्या हो गया ये पॉलीसेक्राइड्स, जिसे क्या कहा गया है, कॉल्ड एज ट्यूनिक. क्या कहा गया है, ट्यूनिक कहा गया है, इसके एक्सोस्केलेटन को ट्यूनिक कहा गया है, जो कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है. इसीलिए कॉमनली यूरोकॉर्डेट्स को क्या कह देते हैं, ट्यूनिकेट्स कह देंगे. क्वेश्चन में याद रखना आपको 99% यूरोकॉर्डेटा कभी नहीं लिखा मिलेगा, आपको ट्यूनिकेट्स लिखा मिलेगा. क्यों लिखा मिलता है, बिकॉज इसका एक्सोस्केलेटन है जो कैल्शियम का बना हुआ, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का बना होगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसे ट्यूनिक नाम दिया गया, इसीलिए इसको ट्यूनिकेट्स कहा गया, इसमें कुछ भी नहीं है. अब लास्ट वन जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो क्या याद रखना है, आपने सारे बच्चों ने मेटामॉर्फोसिस पढ़ रखा होगा, ये टर्म सारे बच्चों ने सुन रखी होगी. मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, लार्वा कन्वर्ट इनटू अडल्ट. आपने जब लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है, मोस्टली के अंदर लार्वल फॉर्म आती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब लार्वा आता है हमारे अंदर, मैमल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट है, या कोई लार्वा नहीं है रेप्टाइल्स के अंदर भी, ठीक है. बाकी अगर हम बात करेंगे एम्फीबियंस और फिश, इन सब के अंदर लार्वल लाइफ आती है बेटा. ओके, तो लार्वा अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, उसे क्या कहेंगे, मेटामॉर्फोसिस. मैंने यहीं पर आपको क्यों बात की है, देखो आपने, मैं फ्रॉग के अंदर अगर बात करूं नॉर्मल कंडीशन में, तो लार्वा का, लार्वा था जिसे आपने टैडपोल लार्वा का था, और उसके बाद अडल्ट
आ गया, बिल्कुल फ्रॉग बन गया। तो इसमें एडवांस कौन है? अडल्ट है, मतलब हाईली कैरेक्टर किसके पास में? अडल्ट के पास में। तो इस तरह की दो तरह की मेटामॉर्फोसिस हम कह देते हैं, बेटा दो तरह की मेटामॉर्फोसिस कह देंगे। एक होती है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, अभी मैंने कहा कि प्रोग्रेसिव जिसमें लार्वा एडवांस नहीं होता, अडल्ट एडवांस है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? अडल्ट इज एडवांस देन लार्वा। और एक होती है बैक में जाना, रिट्रोग्रेसिव कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? रिट्रोग्रेसिव। लार्वा अडल्ट में तो कन्वर्ट होगा, बट यार लार्वा एडवांस होता है। क्या होगा? लार्वा इज एडवांस देन द अडल्ट। अडल्ट तो बना बट इसका लार्वा ज्यादा एडवांस है इस कंपैरिजन टू अडल्ट। तो यहाँ पर हम मेटामॉर्फोसिस के बारे में जिक्र करेंगे। सबके अंदर मेटामॉर्फोसिस प्रोग्रेसिव मिलती है, बट यूरोकॉर्डेट ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मिलेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? लार्वा इज मोर एडवांस्ड देन अडल्ट। लार्वा ज्यादा एडवांस्ड है देन द अडल्ट। अडल्ट के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांस, ज्यादा काम का कौन है? लार्वा इज कंपैरिजन टू अडल्ट। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? प्रोग्रेसिव हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? प्रोग्रेसिव, मतलब लार्वा इज नॉट एडवांस देन द अडल्ट। लार्वा अडल्ट से ज्यादा एडवांस नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव। मतलब कौन ज्यादा एडवांस हो गया? अडल्ट इज मोर एडवांस, अडल्ट इज मोर एडवांस देन लार्वा। ये चीज याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया था तुमसे एक बार एनटीएससी में, इन विच रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज प्रेजेंट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? यूरोकॉर्डेटा। एक ही याद रखना, बाकी सब में पूछते भी इसी के अंदर है। ओके, और उसके बाद आपको सीधा किसमें चले जाना है? एग्जाम्पल में। किसके अंदर चले जाना है? एग्जाम्पल। या एग्जाम्पल याद कर लेना हार्डमैनिया। क्या याद कर लेना? हार्डमैनिया। इसे सी स्क्वेरिड कहा जाता है, आलू सा जैसा दिखाई देता है। एक याद रख लेना एसिडिया और एक याद रख लेना सल्पा। एक चाहती लिख लेना, याद करना हार्डमैनिया एसिडिया एंड द सल्पा। और यहां पे याद रखना ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा। एम्फियोक्सिस मेन याद रखना है, एम्फियोक्सिस। क्या याद रखना है? एम्फियोक्सिस याद रखना है। इसे लैंसलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेंसलेट। इसका आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट बिल्कुल लेंस जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लेंसलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेंसलेट कहा जाता है। ओके बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो आपको प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में इतना याद रखना है। क्या याद रखना है कि प्रोटोकॉर्डेटा को हमने एक क्रेनियटा भी कहेंगे विदाउट क्रेनियम है। यहाँ पर ही प्रिमिटिव कॉर्डेट्स कहा जाता है बिकॉज नोडोकॉर्ड तो प्रेजेंट है, किसी में चेंज नहीं हुई है। कि कहाँ से कैसे प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग दो सेक्शन में डिवाइड किया गया, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेट्स भी कहेंगे। इसके अंदर नोडोकॉर्ड प्रेजेंट है बट ओनली लार्वल लाइफ में, और टेल में प्रेजेंट है और कहीं प्रेजेंट नहीं है, अडल्ट में नहीं होगी। या नोडोकॉर्ड पूरी लाइफ में प्रेजेंट है, ठीक है, टेल से हेड रीजन में प्रेजेंट रहेगी। दोनों की हैबिटेट मराइन है। एग्जोस्केलेटन अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और किसका बना होगा? कार्बोहाइड्रेट का, जिसे ट्यूनिक नाम दिया गया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ट्यूनिकेट्स। मेटामॉर्फोसिस आपको याद रखनी है, यहाँ रिट्रोग्रेसिव और यहाँ पे क्या है? प्रोग्रेसिव है। रिट्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? मतलब कि कोई चेंज हुआ है लेकिन वो अच्छा वाला चेंज नहीं हुआ है, तो इसे हमने रेट्रोग्रेसिव कहा है कि लार्वा ज्यादा एडवांस था इस कंपैरिजन टू अडल्ट। तो इसको हमने क्या नाम दिया? रेट्रोग्रेसिव। इसे प्रोग्रेसिव नाम दिया गया है। और यहाँ पे एग्जाम्पल हार्डमैनिया एसिडिया एंड द सल्पा, और यहाँ ब्रैंकियोस्टोमा एंड एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस को कॉमन नाम लेंसलेट होता है। क्लियर है बेटा? इतना ही आपके बारे, इतना ही इसके बारे में, प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विच वन इज द प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, आपको क्या मिलेगा? प्रोटोकॉर्डेटा। या ऑप्शन में यूरो और सिफेला मिलेगा, तो बोथ ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसके अंदर मिलती है? यूरोकॉर्डेटा के अंदर मिलती है। लार्वा ज्यादा एडवांस एज कंपेरिजन टू अडल्ट। और इस इन दोनों के अंदर एग्जोस्केलेटन मेनली जो मिलता है किसके अंदर मिलता है? किसके अंदर मिलेगा बेटा? ये यूरोकॉर्डेटा के अंदर मिलेगा। और मेनली किसका बना होगा? कार्बोहाइड्रेट, जिसे ट्यूनिक नाम दिया गया, ट्यूनिकेट्स का आ गया। और सबसे तुमसे जो क्वेश्चन पूछते हैं मेनली एंड मेनली यही क्वेश्चन पूछते हैं बेटा आपसे कि किसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल लाइफ इन टेल रीजन। तो लार्वल लाइफ में प्रेजेंट होगी यूरोकॉर्डेटा,
थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट और हेड टू टेल रीजन में प्रेजेंट होगी, उसे हम क्या कहेंगे, सिफेलोकॉर्डेटा। एम्फियोक्स एग्जाम्पल एम्फियोक्सिस का पूछते हैं, एम्फियोक्सिस बिलोंग्स टू सिफेलोकॉर्डेटा अनलेस आपको प्रोटोकॉर्डेटा ऑप्शन में मिलेगा। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या कर लिया, प्रोटोकॉर्डेटा। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, वर्टिब्रेटा के बारे में। ओके okay.